उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक व्यक्ति हाथ पैर और मुंह बंधे होने की स्थिति में मिला है। बताया जा रहा है कि यह एक बड़ा व्यापारी है और उसका कुछ दिनों पहले अपहरण हो गया था। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मथुरा में उस समय हड़कंप मच गया जब पुलिस को सूचना मिली कि थाना रिफाइनरी इलाके में एक व्यक्ति बदहवास हालत में पड़ा है, जिसके हाथ पैर और मुंह बंधे हुए हैं। जिसके बाद हरकत में आई रिफाइनरी पुलिस ने जब व्यक्ति से पूछताछ की तो वह चौंक गई, क्योंकि जिस व्यक्ति के हाथ पैर बंधे हुए थे वह प्रदेश के औरैया जिले से 4 जुलाई को अपहरण किया गया था। साथ ही बड़ा व्यापारी है जिसे बदमाश यहां छोड़कर फरार हो गई, जिसके बाद पुलिस द्वारा इसकी सूचना औरैया पुलिस को दी गई और पुलिस द्वारा उसका मेडिकल करवाया गया, जहां पर व्यापारी ने अपना नाम अमित दुबे निवासी हजरतगंज लखनऊ बताया है। वहीं अमित दुबे ने बताया कि उसे 4 जुलाई को उठा लिया गया था, 17 दिनों तक उसे इसी तरह से बांध कर रखा गया है। घटना के बारे में एसपी सिटी ने जानकारी दी कि इस व्यक्ति का अपहरण किया गया था जो कि अमित दुबे है और आज रिफाइनरी थाना इलाके में बरारी के पास सुबह मिला है। बाकी औरैया पुलिस ही इसके बारे में अधिक जानकारी दे पाएगी। मथुरा से संवाददाता जाहिद सैयद की रिपोर्ट। गोपाल नाम याद आ गया, जिससे मैं गोवर्धन होटल में मिलने आया था। गोवर्धन होटल ही तो है कि पैलेस है? गोवर्धन होटल भी है, गोवर्धन पैलेस भी है। गोवर्धन होटल, उसका नाम गोपाल था। थाना है सामने है। गोवर्धन होटल कहाँ पर है? वही चौराहे पर एक होटल बना हुआ है, होटल गोवर्धन पैलेस ही है। हाँ, और सिर्फ उसी की देन। उसके अलावा सिर्फ मेरी पत्नी को पता था, मेरे पिताजी को पता था और उसको पता था कि मैं किस रूट से कहाँ से आ रहा हूँ, और उसी से मुझे पेमेंट लेकर के निकलना था। और उस अब फिर आगे की जानकारी कहाँ के रहने वाले जो भोपाल जो नाम बता रहे हैं है? जो नाम बताया अभी आपको, रिपीट करिए नाम। गोपाल कहाँ के रहने वाले? गोपाल मथुरा के रहने वाले हैं। उसमें होटल स्वामी का कोई हाथ है? नहीं, होटल स्वामी का तो मुझे नहीं जानकारी नहीं है मेरी, से पूर्ण विश्वास है। एक संघ का स्वयं सेवक रात दिन केवल सबकी सब सेवा के लिए दौड़ता है, तो आज अगर उसका अगर उसकी हाल हुई है, आप लोग अगर साथ देंगे, सच सामने आ जाए। संघ में भी स्वयं सेवक है? अब मैं नगर का नगर कारवा हूँ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का। कब से? लगभग 2 वर्ष का दायित्व हो गया है और 4 वर्ष से मैं भारतीय हिंदू संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और क्या क्या है? और मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, वैसे मैं क्या मेडिकल स्टोर है, कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ लखनऊ में। ये थाना रिफाइनरी क्षेत्र के गांव बरारी की सीमा में हाईवे के पास में सुबह 6 बजे यूपी 112 को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति वहां पर पड़े हैं। इस सूचना पर पुलिस वहां पर गई, इनको ले आई और ये संदिग्ध परिस्थितियों में वहां बंधी हुई हालत में पुलिस को मिले। इस संबंध में जानकारी पर बताया गया कि औरैया जनपद में इस संबंध में अभियोग पंजीकृत है, वहाँ की पुलिस आ गई है, आगे की वैधानिक कार्यवाही औरैया पुलिस के द्वारा की जा रही है। कब से गायब था ये? ये 4 जुलाई से बता रहे हैं ये, किंतु इस बारे में डिटेल औरैया पुलिस द्वारा आपको अवगत कराया जाएगा, उनके द्वारा सारी कार्यवाही आगे की वैधानिक की जा रही है। क्या नाम है और क्या करते हैं ये? प्रॉपर्टी डीलिंग का काम बता रहे हैं कि करते हैं, अमित दुबे इनका नाम है। अभी पूछताछ जारी है, विस्तृत पूछताछ के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, सारे घटना के समस्त तथ्यों की समस्त पहलुओं की बारीकी से छानबीन जारी है। मैंने बताया कि अभी विवेचना का ये भाग है और छानबीन हर पहलू की जा रही है। इसके बारे में विस्तृत रूप से संबंधित पुलिस, संबंधित जनपद के लोग वो बेहतर बता। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.